हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों यदि आपको लिंक ट्री के बारे में पता नहीं है तो फ्रेंड्स इसी लिंक ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स लिंक ट्री एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप अपने कई सारे सोशल मीडिया को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे कि इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा कि प्रोफाइल पर जो आपकी प्रोफाइल होती है इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ केवल एक लिंक जो है पेस्ट होती है। यदि केवल एक ही लिंक वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ओके, यानी कि चाहे आप यूट्यूब की डालें, चाहे फेसबुक की डाल दें, या फिर ट्विटर की, या फिर किसी और चीज़ की लिंक डाल दें, लेकिन दोस्तों आप वहाँ केवल एक ही लिंक डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिंक ट्री से क्या होगा, यदि आप लिंक ट्री से अपने सभी सोशल मीडिया के लिंक्स को कनेक्ट कर देते हैं तो आपको सभी के सभी लिंक पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक लिंक से ही आपकी सभी लिंक कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, उस लिंक से ही लोग आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों जब मैं इस तरह के लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है लिंक ट्री। ओके, तो चाहे आप हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं इंग्लिश में सर्च कर देता हूँ लिंक ट्री। एंड लिंक ट्री सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर सर्च हो जाता है और यहाँ पर आपको हल्का सा नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिंक ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप देख भी पाएंगे यहाँ पर जो ये वाली वेबसाइट है लिंक ट्री की, तो इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन है स्टार्ट करने के, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर साइन अप फ्री यहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री में करता हूँ क्लिक। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर आपको करना क्या है, आपका यूज़र नेम डाल देना कोई भी। तो दोस्तों जिस नाम से आप लिंक ट्री का जो है ऑप्शन अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली यूजर नेम पे डाल देता हूँ RK2Tech, जो कि मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का, तो मैं यही डाल देता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ डालने के बाद ऐसा नाम डालना है जो कि इस पर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो RK2Tech नाम से जो है लिंक ट्री पर कोई भी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर एक ईमेल या जीमेल अकाउंट डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर जीमेल डाल देना है। क्योंकि दोस्तों जीमेल के अकाउंट से आपका जो है ये लिंक ट्री वाला जो वेबसाइट है लिंक ट्री, तो ये वेरीफाई होती है। एंड दोस्तों वेरीफाई होने के बाद ही ये लिंक ट्री शेयर कर सकते हैं आप, या लिंक ट्री की जो वेबसाइट बनेगी आपकी, या लिंक ट्री जो लिंक बनेगी तो ये काम करेगी। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको कोई पासवर्ड डाल देना है। तो फ्रेंड्स याद रखें, ये पासवर्ड आपका जीमेल का पासवर्ड नहीं है, ये आपको नया पासवर्ड बनाना है लिंक ट्री अकाउंट के लिए। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर साइनअप कर देना है। एंड साइनअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेवर कर देना है, या फिर सेव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, तो फिलहाल मैं पहले ये चूज़ कर लेता हूँ कि जो मेरी लिंक ट्री है, तो लिंक ट्री की जो लिंक है तो किस तरह की होने वाली है। ओके, वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती हैं, मतलब कि आपको किस टाइप की यानी किस कैटेगरी की लिंक जो है तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैं तीन ऑप्शन सेलेक्ट किए था, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक्टर एंड सेलिब्रिटी की। एंड दोस्तों दूसरा है जो मेरा ये है इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। ओके, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता ही हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है आई एम नॉट रोबोट। ओके, दोस्तों सबसे ऊपर जाके आपको अपना नाम भी लिखना है। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर अभी मैंने अपना नाम नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ राम कृष्ण। ओके, दोस्तों राम कृष्ण लिखने के बाद मैं सिंपली नीचे जाऊँगा, नीचे जाने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँगा, तो कंटिन्यू अब हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं आप, कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ऊपर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक फ्री वाला ऑप्शन है, दोस्तों यदि आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पैड वाला ऑप्शन ही मिल जाता है। तो दोस्तों पैड वाले ऑप्शन पर आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, लेकिन फ्री वाला ऑप्शन ही आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि दोस्तों फ्री वाले ऑप्शन पर ही आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो सिंपली मैं यहाँ फ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। एंड दोस्तों नीचे जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, सकते हैं साइन अप फॉर फ्री है, तो यहाँ पर मैं साइन अप कर देता हूँ। और दोस्तों साइन अप करने के बाद थैंक्स फॉर साइनिंग अप, दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू टू माय अकाउंट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपीयरेंस वाले ऑप्शन पर चला जाना है। दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है,
फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी गैलरी से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल टाइटल का नाम डाल देना है, यानी कि आपकी जो लिंक है लिंक का नाम डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो लिंक ट्री अकाउंट है, यहाँ पर लिंक ट्री अकाउंट की प्रोफाइल होती है, तो आप यहाँ पर लिंक ट्री पर अपना नाम डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे यहाँ पर आपको थोड़ा सा बायो डालना पड़ेगा, तो मैं सिंपली डाल देता हूँ अपना नाम आर्किटेक्ट, और यहाँ पर इतना डालने के बाद यहाँ नीचे मैं डाल दूँगा, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कनेक्ट मी ऑन ऑल सोशल मीडिया। ओके तो फ्रेंड्स, इतना डालने के बाद सिंपली नीचे चला जाना है। नीचे जाने के बाद आप कोई मतलब कि थीम्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आपकी लिंक शो होंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से थीम्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग। तो सिंपली मैं इसी थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड दोस्तों इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ ऊपर, एंड दोस्तों ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपलोड योर ऑन इमेज पर क्लिक करके यहाँ से जो दोस्तों आप एक फ़ोटो जो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डबल टैप करना है, एंड दोस्तों यहाँ पर आप जो है इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो सिंपली मैं यहाँ पर अपनी कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लूँगा। फ़ोटो अपलोड होने के बाद यहाँ आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। ओके एंड तो यहाँ पर आपको सिंपली सेव का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं, एंड सेव के बाद दोबारा से आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। ओके फ़ोटो जो है यहाँ अपलोड हो चुकी है, आप देख पाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर सिंपली फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है लिंक्स के ऑप्शन पर। ओके एंड यहाँ लिंक्स के ऑप्शन पर आने के बाद आपको एक ऐड न्यू लिंक पर ओके करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको जो टाइटल शो हो रहा है, तो इस टाइटल पर आपको उस सोशल मीडिया का नेम लिखना है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी। तो यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का। एंड दोस्तों उसके नीचे फिर URL का ऑप्शन है, तो इस URL के ऑप्शन पर आपको जो है URL पेस्ट कर देना है अपने यूट्यूब चैनल का। ओके दोस्तों यहाँ पर URL पेस्ट करने के बाद यहाँ मैंने अपने यूट्यूब चैनल की लिंक डाल दी है। दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपका काम हो चुका है, अब आपको किसी और नेक्स्ट सोशल मीडिया की लिंक ऐड करनी है, तो आपको दोबारा से यहाँ पर ऐड न्यू लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से टाइटल डालना पड़ेगा न्यू सोशल मीडिया की, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ ट्विटर, सॉरी दोस्तों इंस्टाग्राम डालना है, तो इंस्टाग्राम डाल देता हूँ, एंड दोस्तों इंस्टाग्राम की लिंक नीचे मैं डाल दूँगा। ओके इसी तरह से दोस्तों मैं अपने फेसबुक एंड जो भी ग्रुप वगैरह है सबकी लिंक डाल दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने लिंक है सभी की, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड दोस्तों यूट्यूब चैनल सभी की लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट कर दी है। ओके एंड दोस्तों सिंपली आप करना क्या है, आपको यहाँ पर आप अपने हर लिंक पर एक फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो जो फ़ोटो का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेट थंबनेल है दोस्तों आइकन है, तो यहाँ पर आप फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले प्रोफाइल पर ओके किया मतलब सिलेक्ट किया था, तो सभी पर आप जो है फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मनपसंद की। ओके अलग अलग फ़ोटो, तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद इसे जो है क्रॉप का ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ पर आप क्रॉप भी कर सकते हैं। एंड सो यहाँ पर सेव आपको कर देना है, एंड सेव करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं सेव कर देता हूँ फिर इसे, एंड दोबारा से इसे अपलोड कर देता हूँ एक बार। और अपलोड होने के बाद जो है आपकी सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो है ऐड हो चुकी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ओके एंड सो ऐसे ही आप सभी पर जो है फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी अपने सोशल मीडिया पर एक एक फ़ोटो ऐड कर दी है सभी की लिंक पर। ओके एंड दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ऊपर की तरफ आना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी लिंक की लिंक है शेयर करने के लिए आपको अपना जीमेल अकाउंट वेरीफाई करना होगा। ओके दोस्तों, आपको जो जिस जीमेल को आपने यहाँ पर ऐड किया है, तो उस जीमेल पर आपको जा कर के देखना है, वहाँ पर एक कंफर्मेशन यानी कि वेरीफाई का ऑप्शन आया होगा, तो वेरीफाई की मेल आई होगी, तो वहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। चलिए मैं आपको चल के दिखा भी देता हूँ। पहले मैं आता हूँ उस जीमेल अकाउंट पर जो कि मैंने यहाँ पर पेस्ट की थी। एंड दोस्तों सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो कि लिंक ट्री का एक मेल आया हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों क्लिक करने के बाद वेरीफाई ईमेल पर ओके करना है। ओके तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ इसे सिंपली। एंड ओके करने के बाद यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड दोस्तों क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन आता है कंटिन्यू का, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। ओके दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपका जो है चैनल जीमेल वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों वेरीफाई होने के बाद आप अपने लिंक ट्री की लिंक को शेयर कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ये लिंक है इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं, तो देखते हैं
यहाँ पर जो मेरी लिंकट्री की लिंक से सभी सोशल मीडिया कनेक्ट हो चुके हैं। और इस तरह से दोस्तों लिंकट्री का जो पेज है ओपन होता है। ओके दोस्तों, आपको इसे बैक कर देना है। एंड बैक करने के बाद इस लिंक को कॉपी करना है। तो लिंक कॉपी करने के लिए आपको इसे सिंपली पेस्ट करके रखना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे शेयर लिंक का ऑप्शन है, तो इस शेयर लिंक से आप लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं जाता हूँ। एंड जाने के बाद जो नोट्स है, तो मैं यहाँ नोट्स पर अपने लिंक से सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जो किसी को भी शेयर करता रहूँगा। ओके दोस्तों, आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरी लिंक जो है सेव हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, डायरेक्ट कट करके मैं यहाँ पर अपने नोट्स पर आता हूँ। एंड इस लिंक पर थोड़ा सा लिख देता हूँ लिंक ट्री इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके दोस्तों, जो ये लिंक तैयार हुई है मेरी, तो इस लिंक पर जाऊँगा तो आप लोग देखेंगे डायरेक्ट यहाँ ओपन। एंड ओपन के बाद यहाँ पर क्रोम का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ क्रोम के बाद जो मेरी लिंक तैयार हुई, तो कुछ इस तरह से शो होते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, आपकी लिंक तैयार हो चुके हैं। एंड दोस्तों, इस लिंक को आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके तो यूट्यूब चैनल पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो है चैनल ओपन हो जाएगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है। ओके अब एक बार दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ। एंड इंस्टाग्राम पर देखता हूँ तो मेरा जो है इंस्टाग्राम लिंक भी प्रॉपरली काम कर रही है। दोस्तों, ये जो है मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इसी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।